नमस्कार। जीत की तैयारी यानी स्टेप्स ऑफ सक्सेस के तीसरे चरण में स्वागत करता हूं मैं आपका जीके। पिछले दो चरणों में हमने सीखा गोल सेट करना, अपने अंदर लीडरशिप की गुण भरना। आज हम सीखेंगे कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें, कैसे सफलता पाएं। हाउ टू रीड, हाउ टू मेमोराइज एंड हाउ टू अचीव सक्सेस। मेरा विश्वास है कि मेरी यह पेशकश जागरूक स्टूडेंट के साथ साथ जिम्मेवार केयरिंग पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबल गार्जियन या उनके बड़े भाई बहनों का भी मार्गदर्शन करेगी। इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा। बहुत जरूरी है कि किसी भी पढ़ाई से पहले अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किया जाए। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सच यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में शीर्ष तक पहुंचने के लिए अच्छे अंक के साथ साथ विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। परीक्षा में सफल होकर शीर्ष तक पहुंचने का एकमात्र मंत्र है सही दिशा में लगातार कड़ी मेहनत। कल कभी नहीं आता, आपको आज नहीं बल्कि अभी से ही दिनचर्या एवं सोच में बदलाव लाना होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंदुरुस्त होना अत्यंत आवश्यक है। हर रोज कम से कम एक घंटे शारीरिक व्यायाम करें या फिर खेलों में हिस्सा लें। दिमाग की कसरत के लिए कम से कम 30 मिनट शब्दों अंकों के साथ साथ फास्ट वीडियो का भी खेल खेलें। हमें अपने अंदर छुपी यथार्थ शक्तियों का अंदाजा नहीं है, अतः हम अपने आप को कम आंकते हैं। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने ऐसे देखो जो तुम्हें सोने न दे। अगर आप अपने आप को 70% के लायक समझते हैं तो अवश्य 90% का लक्ष्य कर रखें। अपने लक्ष्य को घर में ऐसे 3 स्थानों पर चिपका दें जहां पर आपकी नजर बार बार पड़ती हो। घर की गतिविधियों से अलग एक शांत स्थान को चुनें जहां पर आप लंबे समय तक टिक कर बैठ सकें। अध्ययन के स्थान पर मेज, कुर्सी, पानी की बोतल, घड़ी, कैलेंडर और पाठ्य सामग्री के अलावा कुछ भी ध्यान भंग करने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित समय में बेहतर अध्ययन करने में सक्षम होता है, मगर वो समय सभी को हासिल नहीं है। आपने नाइट पर्सन, डे पर्सन जरूर सुना होगा। अपने आप को बदल सकते हैं, उसके लिए आपको 21 दिनों तक उस सुविधाजनक समय में दिमाग को विशेष रूप से काम करने के लिए सक्षम बना सकते हैं। पेंडिंग लिस्ट भी आप साथ में रख सकते हैं। कोई काम अचानक पढ़ते पढ़ते अगर याद आ जाए उस पेंडिंग लिस्ट में आप उसको नोट कर लीजिए और फिर एकाग्रता के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। महान विद्वान विद्यासागर जी पढ़ते समय अपनी चोटी को खिड़की से बांध लेते थे ताकि नींद न आ जाए। आप अपने अध्ययन काल को 15 मिनट के स्लॉट में विभाजित कर सकते हैं। हर 15 मिनट के बाद अपने अध्ययन में अपनी संतुष्टि को यस या नो में व्यक्त करें। यह मेथड छोटे इंटरवल पर आपको एकाग्र होने की चेतावनी देता रहेगा। बहुत जरूरी है कि आप सभी विषयों को बराबर का महत्व देते हुए एक हफ्ते की समय सारणी बनाएं। सप्ताह के अंत में अपनी प्रोग्रेस विषयों के सिलेबस का रिव्यू करें, फिर अगले हफ्ते का टाइम टेबल बनाएं। अपने अध्ययन के समय सीमा को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मेहमानों, परिवार के सदस्यों को अवश्य बता दें ताकि पढ़ाई के समय कोई बाधा उत्पन्न न करें। उन महत्वपूर्ण घंटों में अपने आप को टेलीफोन कॉल्स एवं सोशल मीडिया से दूर रखें। टाइम टेबल आपको सभी विषयों पर बराबर महत्व देने को सिखाएगा और आपको अनुशासनबद्ध भी करेगा। तेजी से पढ़कर समझने का अभ्यास कर आप कम समय में ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब अध्ययन करते थे तो सामने बैठा व्यक्ति को लगता था कि वो बस वो पन्ने पलट रहे हैं। पढ़ते समय आप कौमा, पूर्ण विराम एवं जोड़ने वाले शब्दों पर बिना रुके पंक्तियों पर तेजी से हाथ फेरते हुए पढ़ाई करें। तेज पढ़ने से एक फायदा और है कि व्यर्थ के विचार आपके मन में बिल्कुल नहीं आते, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। अपनी कमजोरियों से दूर भागना गलत बात है, बल्कि उन कमजोरियों को दूर भगाएं और उसे शक्ति बनाएं। दिन में कई बार दोहराएं, अफला विषय मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लगातार 21 दिन तक विषय को खूब दिल लगाकर पढ़ें। जहां भी आपको संदेह हो मदद लेने से न झिझकें। समझे हुए पाठ को दूसरों को समझाने की कोशिश करें। डर के आगे जीत है।
बहुत जल्द वो कमजोर विषय आपकी शक्ति बन जाएगी। विद्या को नहीं भूलने के लिए उसको बार बार फेरना पड़ेगा, यानी रिवाइज करना पड़ेगा। आप अपने पढ़े और समझे पाठ को एक निश्चित अंतराल पे रिवाइज करके लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर आपने किसी लेसन को अभी तैयार किया है तो 24 घंटे के अंदर उसे संक्षेप में जरूर लिखें एवं पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। सातवें दिन एक बार फिर से उस पाठ को दोहराएं और संक्षेप में लिखें। जब आप यात्रा कर रहे हो किसी व्यक्ति या वस्तु को ध्यान से देखें, फिर आंखें बंद करके कल्पना में उसका चित्र बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सामने वाले को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस क्रिया को तब तक दोहराएं जब तक संपूर्ण चित्र डिटेल सहित बनाने में आपका दिमाग सक्षम नहीं हो जाता है। यह व्यायाम आपकी स्मरण शक्ति को धारदार बनाएगा। पढ़ाई की शुरुआत में ईश्वर की स्तुति करें या मेडिटेशन करें। पाठ के पहले अंश को आप तेजी से पढ़ते हुए मुख्य शब्दों के नीचे रेखा खींचें एवं मन में व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर एंड हाउ जैसे प्रश्न तैयार करें। जब आप पाठ को आगे पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो जिज्ञासा थी वो शांत होने शुरू हो जाएगी और विषय आपको धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। पढ़ते वक्त जो है मन में मेन पॉइंट्स को आप काल्पनिक चित्र बना सकते हैं और काल्पनिक चित्रों को जोड़कर आखिर में वो पॉइंट को क्रमबद्ध आप याद कर सकते हैं। जब आप 50 मिनट का अध्ययन पूरा कर लेते हैं तो आप उठिए, 3 बार मुंह में पानी भरकर आंखों पर पानी का छींटा मारिए और कुल्ला फेंकिए। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होकर नियंत्रण में आता है। सफलता प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी मेहनत से अर्जित ज्ञान को 100% परीक्षा पथ पर उतारें। उन दिनों अच्छी नींद लें, तनाव मुक्त होकर, भय मुक्त होकर, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा भवन में समय से 30 मिनट पहले पहुंचे। वाह या किसी की वार्तालाप को बिल्कुल भी न सुने। प्रश्न पत्र हाथ आते ही उसे शुरू से अंत तक सारे ऑप्शंस, मार्क्स, इंस्ट्रक्शन सबको बहुत ध्यान से देकर पढ़िए। बेहतर होगा आप सहज एवं अच्छी तरह से तैयार प्रश्नों को पहले हल करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। अंत में यही कहूंगा कि आज के ज्ञान को अपने दोस्तों में बांटें। सदा खुश रहें, सफल रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।